गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस क्लास 12th यूनिट फर्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन दिस यूनिट वी आर डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड चैप्टर, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड द पोटेंशियल। यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ये हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए चार्ज बॉडी। कोई भी चार्ज बॉडी वो कितना इलेक्ट्रीफाई है, कितना उस पर चार्ज है, उसके बारे में कौन इन्फॉर्मेशन देगा आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दो बॉडी है कांटेक्ट में लेके आए, अगर उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, इफ देयर इज एनी पोटेंशियल डिफरेंस देन चार्ज विल बी फ्लो। इफ पोटेंशियल आर इक्वल देन देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज। देन वी डिस्कस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द वैल्यू, वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। यही था, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर के। आर चेंज होगा तो आपका पोटेंशियल भी चेंज होगा। चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव लेना है, चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव। अगर टोटल पोटेंशियल कभी भी निकालना हो तो वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू, एल्जेब्रिक एडिशन होगा, नॉट वेक्टर एडिशन। सो हमने पॉइंट चार्ज का निकाला था, देन हमने एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल निकाला, इक्विटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, इक्विटोरियल पे कितना आया था बेटा, जीरो। देन हमने डिस्कस किया था एट जर्नल पॉइंट, किसी भी जर्नल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। देखिए बेटा, एक चीज और ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है इज ए स्ट्रेट फंक्शन, दैट मीन्स इट डिपेंड ऑन इनिशियल एंड फाइनल। जो आपका पोटेंशियल होता है ना, वो इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। आपको ये भी पढ़ाया गया था कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्लियर है पॉइंट? तो वर्क डन का और पोटेंशियल का हमने रिलेशन भी फाइंड आउट किया था। वी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू बाई क्यू। वी इज इक्वल टू W बाई क्यू, अगर चार्ज कितना है, 1 कूलाम है, 1 कूलाम चार्ज को मूव करा है, तो V किसके इक्वल आता है, जल्दी बताओ बेटा। V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, W, है ना। एक यूनिट चार्ज को मूव कराते तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। दो पॉइंट की बात होती तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस की बात होती है, किसकी बात होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो V इज इक्वल टू है आपके पास W बाई क्यू। अगर कोई वर्क डन पूछे तो आपसे, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो W ऑफ ए भी अगर आपसे पूछे तो इसका मतलब है बेटा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज इक्वल टू क्यू इनटू वी बी माइनस वी ए। पॉइंट क्लियर है? तो ये रिलेशन था आपका वर्क डन और पोटेंशियल के बारे में। सो नाउ व्हाट आर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस, द सर्फेस वेयर पोटेंशियल इज इक्वल और सेम। ये वो सर्फेसिस होते हैं जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहता है, इक्वल रहता है, सेम होता है। उस तरह के सर्फेसिस को इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके पास क्यू चार्ज है और इस क्यू चार्ज को आप मूव करा रहे हैं, मान लीजिए किसी भी ए पॉइंट से बी पॉइंट या फिर बी से ए, कुछ भी ले सकते हैं आप, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखा है क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। इसका मतलब क्या है, बी से ए मूव करें हम, अगर ए से बी मूव करते तो क्या लिखा जाता बेटा, डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू लिखा जाता क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए। ठीक है, अगर अब देखो, अगर ये इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों का पोटेंशियल क्या है, इक्वल है, तो वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, वी बी। तो वर्क डन कितना आ गया, डब्ल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीरो। कितना आ गया, W ऑफ ए बी जीरो। इसका मतलब ये हुआ अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे आप वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करते हैं, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम है उन दोनों पॉइंट का, तो वर्क डन कितना आएगा बेटा, जीरो आएगा। सो कंक्लूजन क्या आया, वर्क डन इज जीरो व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उसके हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। पॉइंट क्लियर है बेटा?
वर्क डन जीरो है, और ये वर्क डन का फॉर्मूला भी पढ़ा रखा है आपने, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स या डी एल जो भी आप लिखना चाहिए, वर्क डन जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगा, थीटा कितना होगा बेटा यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा कितना होगा 90, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। पॉइंट क्लियर है बेटा, ई डॉट डी एक्स का मतलब समझते हो ना कैसे आया, इज इक्वल टू क्या होता है एफ बाई क्यू, क्यू कितना है 1 कूलम, तो ई की जगह क्या आ जाएगा एफ आ जाएगा। तो कुछ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस आपको ड्रॉ करने, जैसे ड्यू टू आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, कोई भी पॉइंट चार्ज है, आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज है तो उसका इक्विपोटेंशियल आपको ड्रॉ करना है। देखो बेटा पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आया था, वीजिकल टू आया था के क्यू बाई आर, वीजिकल टू क्या आया था के क्यू बाई आर, तो वी इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू आर, वी क्या है इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द आर है। अब सुनना बेटा ध्यान से, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज का आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, बताओ जल्दी से, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है, किधर होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इसमें जो सिमेट्री आती है वो कैसी सिमेट्री आती है बेटा, स्फेरिकल सिमेट्री, कैसी सिमेट्री होती है स्फेरिकल। पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस था, पॉजिटिव है तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, नेगेटिव चार्ज होगा तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ड, सिमेट्री दोनों में क्या होती है स्फेरिकल। तो अगर मैं एक फिक्स रेडियस का, क्योंकि v की वैल्यू कितनी है के क्यू बाई आर, v इक्वल टू क्या होता है के क्यू बाई आर, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो चार्ज तो मैंने पहले फिक्स कर ही रखा है, अगर r यहाँ पे फिक्स हो जाएगी क्योंकि k ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो अगर r फिक्स हो जाए तो पोटेंशियल फिक्स हो जाएगा, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक फिक्स रेडियस का क्या ड्रॉ कर दिया, स्फीयर ड्रॉ कर दिया, क्या ड्रॉ कर दिया स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा इक्वल रहेगा, पोटेंशियल क्या रहेगा बेटा इक्वल रहेगा, कहाँ इक्वल रहेगा इसके हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे आप देखोगे इसके किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल विल बी सेम, तो ये क्या हो गया इसका, सो बेटा इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा इक्वल रहेगा, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। अब क्या किया मैं कुछ अनदर रेडियस का और स्फीयर ड्रॉ किया, अब इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, फिर अनदर, ध्यान रखना इनके बीच में ये गैप चेंज होगा, मतलब ये इक्वल गैप में नहीं रहेंगे, ध्यान रखना गैप क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा इंक्रीज होता जाएगा, ये पॉइंट ध्यान देने वाला है, गैप क्या होगा इनका इंक्रीज होता जाएगा, पॉइंट क्लियर है, कभी आप इनका गैप इक्वल बना दो, गैप इक्वल बना दोगे तो गलत हो जाएगा, उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा मैं, क्योंकि वो बेसिकली क्या होता है एक रिलेशन होता है इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, ये हम कैलकुलेट भी करेंगे आगे चल के। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ, माइनस क्या होता था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता जाता है डिक्रीज होता जाता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होता जाएगा डिक्रीज, मतलब क्या हुआ है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता गया है कम होता गया है, ठीक है। तो इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, तो अब देखो डी वी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, इज इक्वल टू है आपके पास माइनस डी वी बाई डी आर, पॉइंट क्लियर है। अब इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता गया है तो इसको क्या होना पड़ेगा इंक्रीज होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा इंक्रीज, इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है तो उनके बीच का जो गैप है ना वो बढ़ता जाता है इंक्रीज होता जाता है, पॉइंट क्लियर है। तो ये गैप का ध्यान देना, फिर हमने इक्विपोटेंशियल ड्रॉ किया है किसका, टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज हैं इक्वल है, ठीक है Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉइंट क्लियर है। आपको पता है टू इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो उसका न्यूट्रल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ही स्टार्ट में पढ़ चुके कहाँ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ आता है
बिटवीन आता है या आउटसाइड आता है बेटा, जल्दी बोलो। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक न्यूट्रल पॉइंट, अगर सेम चार्जेस हैं तो कहाँ आएगा, उनके बीच में आएगा या आउट, जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, उनके बीच में आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ठीक है। अगर इक्वल है तो बिल्कुल बीच में आ जाएगा। तो यहाँ बेसिकली चार्ज से इधर जाएंगे और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जा रहा है तो यहाँ पे देखिए गैप बढ़ता जा रहा है, इधर जाएंगे, ठीक है। तो क्या होगा बताओ, नेट फील्ड की बात हो रही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे ये गैप बढ़ता गया, ऐसे ही आउटसाइड में है। नेक्स्ट केस है डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड याद है आपको, कहाँ से कहाँ जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, कुछ इस तरह से होगा। सिमेट्री कैसी आती है इसमें, सिलेंड्रिकल सिमेट्री आती है। अब देखो डाइपोल है, एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव। तो क्या इसका न्यूट्रल पॉइंट बीच में आएगा, नहीं आएगा, न्यूट्रल पॉइंट बीच में नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर लाइन है जस्ट, तो नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, हाँ है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे गैप कम होता जाएगा, यहाँ पे गैप क्या होगा, डिक्रीज होगा, आउटसाइड गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये कुछ इक्विपोटेंशियल ड्रॉ किए हमने। क्लियर है। इसकी अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करें, किसकी, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की, कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसमें से आपका फर्स्ट वन है, नो वर्क इज़ डन इन मूविंग अटैच चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा सिंपल सा है, वर्क डन कितना आया था बेटा, जीरो, वर्क डन जीरो था, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एक्स या डी एल जीरो होगा ऑन द सरफेस। तो ई डी एल कॉस थीटा जीरो हो गया, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा बेटा, 90। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर, प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, वर्क डन जीरो होता है। थर्ड प्रॉपर्टी, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और तीन प्रॉपर्टी होगी ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, नोटबुक में भी लिखना है अगर किसी ने नहीं लिखा है तो, ये ध्यान दे लेना। फर्स्ट प्रॉपर्टी है वर्क डन कितना होगा, जीरो। सेकेंड प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड था दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और फोर्थ वन है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर इन द रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे क्लोज होंगे, और जहां वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पे दूर होंगे। ये पॉइंट ध्यान रखना है, अगर आपका रीजन ऑफ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे नज़दीक होंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, और जहाँ वीक है वहाँ पे दूर होंगे। ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मान लीजिए इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ क्या ड्रॉ करना आपको, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यहाँ पे आप सीट ले लीजिए और तो ये इक्विपोटेंशियल सेपरेशन इक्वल रहेगा, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशन निकालना है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में। वी हमने पढ़ा है पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, वी इक्वल टू के क्यू बाई आर। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इधर तो क्या हो गया डी वी बाई डी आर, इधर हो गया डी बाई डी आर के क्यू बाई आर। के क्यू कॉन्स्टेंट है बाहर ले लिया, आर ऊपर गया तो आर की पावर कितनी होगी, माइनस वन। डिफ्रेंशिएशन करना आप लोगों को, डी वी बाई डी आर के क्यू, आर की पावर माइनस वन था, डिफ्रेंशिएशन के लिए पावर आगे आएगी तो माइनस वन आगे आ गया, आर की पावर माइनस वन और माइनस वन, तो आर की पावर कितना हो गया, माइनस टू। तो डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर स्क्वेयर, कितना आ गया, माइनस के क्यू बाई आर स्क्वेयर। और ये क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसका, पॉइंट चार्ज का, सही है। तो इसको किसे लिख दिया हमने, ई, ई से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से ई इज इक्वल टू आ गया, ये तो ई बन गया, माइनस इधर भेज दिया, तो ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर।
कितना आ गया, ई इजिकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। डी वी बाई डी आर को क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या कहा जाता है इसको, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी, ध्यान देना। पोटेंशियल स्केलर है बट पोटेंशियल ग्रेडियंट इज ए वैक्टर क्वान्टिटी एंड डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इन द डायरेक्शन, द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इन डिक्रीजिंग ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज होता जाएगा। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे यहाँ सर, कोई दिक्कत? तो ये रिलेशन भी इंपॉर्टेंट आपका, इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। पॉइंट क्लियर है? तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसिस के बारे में था। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें उसका आर वाले का, वो और देख लो एक बार। इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी आर निकालना चाहे तो यहाँ से माइनस डी वी बाई ई। ई क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी आर क्या हो गया, इनवर्सली हो गया ई के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगा तो डी आर क्या होगा, कम होगा। डी आर क्या है, बेसिकली सेपरेशन है किसके बीच के, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो यही तो कंक्लूजन था, लास्ट प्रॉपर्टी भी यही था। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई ज़्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डी आर क्या होगा, कम। डी आर कम मतलब उनके बीच का गैप। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्लोज होंगे और वीक में आपका दूर होंगे। पॉइंट क्लियर है? तो दिस वन इज द अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस।